अविस्मरणीय भूमिका। कलकत्ता के प्रसिद्ध स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की शिक्षा पूरी कर सन 1931 में वो बिहार आए। 1933 से 1942 के बीच उन्होंने बिहार के साहित्यिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए अनेक और अथक प्रयास किए। सन 1942 में बिहार के उद्योग विभाग द्वारा उन्हें विशेष रूपांकक यानी स्पेशल डिजाइनर नियुक्त किया गया। लोक और शिल्प कलाओं के विकास और प्रोत्साहन के लिए सन 1955 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन की स्थापना की और उनकी मृत्यु के बाद बिहार सरकार ने इस संस्थान का नाम उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान रख दिया। तब से लेकर आज तक यह संस्थान लोक और शिल्प कलाओं के संरक्षण, संकलन, शोध, निर्माण और विकास का केंद्र बिंदु है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी शिल्पविद महिला ने कहा था कि ये प्रीकर्सर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का, NID का, जो कि अहमदाबाद में है। और ऐसे औद्योगिक शिल्प अनुसंधान संस्थान इसी मॉडल पर देश के हर राज्य में तैयार होने चाहिए। हालांकि इस तरह के डिज़ाइन इंस्टीट्यूट सिर्फ बिहार में है और कहीं नहीं। संस्थान में जिन कलाओं से संबंधित कार्य होते हैं वो हैं काष्ठ शिल्पकला, काष्ठ तक्षण एवं पच्चीकरण, काष्ठ खिलौने, टिकुली कला, स्क्रीन पेंटिंग, मृणमय यानी पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, पेपर मैशी, चर्म शिल्पकला, बाटिक कला, लैकरवेयर कला, वेणुशिल्प, एप्लीक कशीदा, पाषाण शिल्प, ब्रास बेल मेटल क्राफ्ट, क्ले मोल्डिंग, बुनाई और बिहार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाली मधुबनी चित्रकला। यहां अनेक शिल्पों से जुड़ी ऐसी कई कलाकृतियां हैं जो इसे एक संस्थान नहीं बल्कि एक संग्रहालय का स्वरूप देती हैं। पर दुख की बात यह है कि इस संग्रह के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। संस्थान द्वारा पर्यटन विभाग से यह अनुरोध किया गया है कि इसे पर्यटकों के भ्रमण के लिए पटना दर्शन में शामिल किया जाए। काष्ठ कला पर इस संस्थान में उत्कृष्ट श्रेणी का काम होता रहा है। प्राचीन काल से लकड़ी के सुंदर फर्नीचर राजघरानों एवं घरों में व्यवहार किए जाते रहे हैं। काष्ठकला शिल्प में फर्नीचर पर तरह तरह के सुंदर नमूनों की नक्काशी एवं विभिन्न कलाकृतियां संस्थान में हैं। काष्ठ तक्षण बहुत प्राचीन कला है जिसमें लकड़ी की विभिन्न औजारों से खुदाई कर और तराश कर तरह तरह की आकृतियां उभारी जाती हैं। इस कला के अति सुंदर नमूने इस संस्थान में संरक्षित हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही बच्चों के खेलने और मन बहलाने के साधन सुंदर, आकर्षक और मनभावन खिलौने रहे हैं। बिहार में काष्ठ शिल्पियों की पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास और शिल्प कला के विकास की कहानी लकड़ी के खिलौने अपनी जुबानी कहते हैं। इस शिल्प में पटना सिटी और दानापुर के इलाकों में शिल्पी कार्यरत हैं। लकड़ी के खिलौनों में राजा रानी, मां बच्चा, घोड़ा हाथी सवार आदि अत्यधिक लोकप्रिय हुए हैं। खिलौना करैत, सिमल, गम्हार और दुधकोरिया लकड़ी से बनते हैं।
इसमें स्थानीय रंगों का व्यवहार होता है और शिल्पी अपनी दक्षता के अनुसार खिलौनों को आकर्षक रूप देते हैं। संस्थान में बाटिक कला का बहुत विकसित रूप देखने को मिलता है। इस कला में सूती कपड़े को किसी भी नमूने का चित्र बनाकर उस पर मोम लगाकर और ब्रश द्वारा मोम भरकर रासायनिक विधि से भिगोया जाता है, फिर भीगे कपड़े को सुखाया जाता है। सूती कपड़ों से जुड़ी एक और कला है रंगाई छपाई, जिसे अंग्रेजी में ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। कपड़े के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को अनेक रंगों से लकड़ी के बने ब्लॉक द्वारा छपाई की जाती है। बिहार की संस्कृति के आलोक में ये नमूने तैयार किए जाते हैं, जिससे सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा जा सके। ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने हेतु संस्थान से प्रशिक्षण लेकर घर बैठे लोगों को रोजगार दिया जाता है। इस कला की विशेष बात यह है कि ये कम खर्च में किया जाता है। बिहार के हस्तशिल्प में चर्म शिल्प का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो वर्तमान समय में चर्चित है। आधुनिक काल में चर्म शिल्पियों द्वारा इसका उत्तरोत्तर विकास किया जा रहा है। पूर्व में यह शिल्प सिर्फ जूतों और चप्पल तक ही सीमित था, पर आज इससे हैंडबैग, पर्स, फुटवेयर, सूटकेस, ब्रीफकेस एवं पहनावों की मनमोहक वस्तुएं संस्थान में बनाई जा रही हैं। कांसा पीतल शिल्प को अंग्रेजी में ब्रास बेल मेटल क्राफ्ट कहते हैं। यह बिहार की एक बहुत ही प्राचीन शिल्प कला है, जो आदिवासी क्षेत्रों में ढोकरा शिल्प के नाम से जानी जाती है। इस शिल्प में तरह तरह की आकृतियां एवं साज सज्जा के उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। संस्थान में इस कला का प्रशिक्षण भी मौजूद है। क्ले मोल्डिंग में अधिकांशतः मिट्टी के खिलौने आदि चिकनाहट के साथ बनाकर उसे भट्टी में पकाकर रंग द्वारा निखारा जाता है। आज ये शिल्प मेला, बाजार एवं घरों की शोभा बढ़ा रहा है। सूत से कपड़ा तैयार करने के कार्य को सूत बुनाई कहते हैं। यहां बुनाई के साथ साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। यहां ऐसे बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो बुनाई का कार्य जानता हो, लेकिन वस्त्र पर डिजाइन बनाने में जिसे परेशानी होती हो। पुराने कपड़े जो उपयोग के लायक नहीं है, उन्हें नए धागों के साथ मिलाकर सुजनी बनाई जाती है। लाह या लाख रंजित शिल्प को लैकोवे क्राफ्ट कहते हैं। बिहार के हस्तशिल्पों में इस शिल्प का प्रमुख स्थान है। महाभारत एवं आईने अकबरी में भी इस शिल्प की चर्चा है। लाह से चूड़ी, टिकुली, ज्वेलरी बॉक्स, पेन स्टैंड, टेबल, सिंदूरदान आदि मन लुभावन गृह उपयोगी सामान तैयार होते हैं। पटना सिटी के शिल्पियों के हुनर को संस्थान के कलाकारों द्वारा संवारा और निखारा जा रहा है। वेणु शिल्प बांस से जुड़ी कला है और बिहार में यह कला अति प्राचीन है। इससे बने विभिन्न आकार प्रकार की सामग्रियां आज देखने को मिलती हैं। इस शिल्प के सृजन में शिल्पी पीढ़ी दर पीढ़ी से लगे हुए हैं। बांस की टोकरी, डगरा, सूप, ढक्कन के साथ छोटे छोटे पिटारों आदि सामान का उत्पादन इस राज्य के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, पटना, सहरसा एवं रोहतास आदि जिलों में प्रमुखता के साथ किया जा रहा है। संस्थान में इस कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पेपर मैशी बिहार की एक प्राचीन शिल्प कला है। इसका उपयोग विभिन्न नृत्य कलाओं में चेहरे के ऊपर मास्क या मुखौटा लगाकर किया जाता है।
पेपर मैशी के द्वारा घरेलू साज सामान के अलावा कई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। घर में रद्दी कागज को एकत्रित कर किसी बर्तन में 5 दिन तक पानी में डालकर रखा जाता है, फिर बबूल के गोंद एवं चौक पाउडर मिलाकर किसी भी प्रकार के सांचे में ढालकर इसे कला का रूप दिया जाता है। संस्थान में पाषाण शिल्प के अति नयनाभिराम नमूने देखने को मिलते हैं। पत्थरों से बने बर्तन गया में पिंडदान के अवसर पर दान में दिए जाते हैं। इस शिल्प का विकास मौर्य, कुषाण एवं गुप्त काल में हुआ था। लोग पाषाण शिल्प द्वारा निर्मित मूर्तियों को सजाकर अपने घरों में रखते हैं। मिथिलांचल की प्रसिद्ध सिक्की कला की नयनाभिराम झलकियां भी संस्थान में देखने को मिलती हैं। मधुबनी चित्रकला इतनी प्रसिद्ध है कि इसके बारे में कुछ भी कहना अनावश्यक है। इस कला ने आज बिहार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। ऐसी आकृतियां, ऐसे विषय और ऐसे रंगों का प्रयोग कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस चित्रकला के मुख्य विषय हैं वर वधु के प्रथम मिलन पर कोहबर, विदाई, देवी और देवतागण आदि। करीब 60-70 साल पहले बिंदी दूसरे तरीके की बनती थी। शीशे या अबरक के पत्ते को काट करके ये प्रचलन भी समाप्त होने लगा, आउट ऑफ फैशन हो गया ऐसी बिंदियों को लगाना। धीरे धीरे इनके जो शिल्पकार थे वो कई तादाद में गांवों में रहा करते थे। महारथी जी ने उन शिल्पियों के लिए एक नया डिज़ाइन, एक री इन्वेंशन इस क्राफ्ट फॉर्म को देकर किया। मैसनेट बोर्ड पर कोस्टर बनाना, जितने भी लोक जीवन से जुड़ी हुई कथाएं हैं या ग्रामीण जीवन के दृश्य हैं, वो मधुबनी शैली में लैकर के रंग से उतारे जाने लगे। अब इसका इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि आप इनके नमूने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में भी देख सकते हैं, बहुतायत में देख सकते हैं, दिल्ली हाट में देख सकते हैं और लोग इसे बहुत पसंद के साथ ख़रीदा करते हैं। सुना जाता है कि इनका अब निर्यात भी प्रारंभ हो गया है। तो इस तरह से ये एक उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटरवेंशन रहा है कि कैसे हस्तशिल्प की लुप्त होती हुई एक विधा को एक नया मोड़ देकर, एक नया आयाम देकर भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया। 1956 में स्थापित यह संस्थान अपने 56 साल पूरे कर चुका है, पर सच पूछा जाए तो इतने सालों से विभिन्न कलाओं की सेवा और संरक्षण को समर्पित यह मात्र एक संस्थान नहीं, कलाओं का सम्मान है, बिहार और पटना की पहचान है।